पटियाला जेल के करीब से 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी ने पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतहाई तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि उसी अडियाला जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों का मरकज इमरान खान कैद हैं। उनकी कैद को तकरीबन 200 दिनों के करीब हो चुका है और ये पहला मौका है कि जब अडियाला जेल के करीब से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया हो कि जिनके पास भारी हथियार हों, कि जो पूरा जो अडियाला जेल था उसका नक्शा अपने पास रखते हों और उस अडियाला जेल के ऊपर हमला करने की मुकम्मल प्लानिंग बना रहे हों। हम सबको पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया भी अदा करना है और दुआ भी करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसी तरह कामयाबियां देता रहे कि जिस तरह से अब उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने से पहले ही पकड़ ली है। अगर आप भी पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों और खसूसी तौर पर CTD के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी ही गंभीर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा को जिस जेल में रखा गया है उस जेल के इंतहाई करीब से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि जो उस जेल के ऊपर हमला करना चाहते थे। ना सिर्फ हमला करना चाहते थे बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उनके हवाले से और भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं कि वो माजी के अंदर भी कई ऐसी अहम कार्रवाइयां कर चुके हैं कि जिनका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की आवाम पहले ही दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा सताई हुई है और अब तो इस तरह की खबरें आने के बाद पाकिस्तानी कौम बस ये दुआ कर रही है कि किसी न किसी तरीके से अडियाला जेल के करीब से जिस तरह से इन दहशतगर्दों को पकड़ा गया है, इसी तरह दूसरे जो पाकिस्तान भर के अंदर अपनी कार्रवाइयों के जरिए पाकिस्तानियों की जिंदगियों को शिकार बना रहे हैं उनको भी कैफर किरदार तक हर सूरत पहुंचाया जाए। अब दुनिया न्यूज ने इस हवाले से जो खबर जारी की थी वो खबर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको सारे मामला पता चल जाए कि सिचुएशन क्या हुई थी। दुनिया न्यूज ने खबर जारी करते हुए लिखा कि पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करके अडियाला जेल के बाहर से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात के मुताबिक पंजाब पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD की जानिब से दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई की गई। उस दौरान अडियाला जेल के बाहर से 3 दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों से भारी असलहा और बारूद के अलावा अडियाला जेल का नक्शा और IED भी बरामद कर लिए गए। तीनों को मजीद तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से एक्सप्रेस न्यूज ने नाज़रीन करामी जो खबर जारी की उस खबर के अंदर थोड़ी तफसीलात मजीद दी गई थी, क्योंकि उस खबर के अंदर कहा गया कि पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी असलहा बारूद और अडियाला जेल का नक्शा बरामद कर लिया। CPO रावलपिंडी सईद खालिद हमदानी के मुताबिक अडियाला जेल की बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से भारी असलहा बारूद और अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ। सईद खालिद हमदानी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है जिनके कब्जे से हैंड ग्रेनेड, IED और खुदकार हथियार बरामद किए गए। तीनों दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। CPO रावलपिंडी का कहना है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का अडियाला और अतराफ में सर्च ऑपरेशन भी सारी रात जारी रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये सिचुएशन बड़ी गंभीर है और सिचुएशन के अंदर हम सबको बस अब ये देखना है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए ये जो नासूर बन चुका है, पाकिस्तान के अमन को खराब करने वाला टोला, इसको अब हर सूरत बदतरीन शिकस्त से दोचार किया जाए और इनको किसी भी सूरत पाकिस्तान के हालात मजीद खराब करने की इजाजत ना दी जाए। पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इस सिचुएशन के अंदर ये मामलात बड़े ही हसास हैं और इन हसास मामलात को हम सबको बड़ी संजीदगी से देखना होगा। पाकिस्तान को इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो लोग जितनी भी कार्रवाइयां करते हैं इनको रोकने के लिए जो सबसे अहम और जरूरी चीज है वो ये है कि हर पाकिस्तानी अपनी आंखें और अपने कान खुले रखे और अपने इर्द गिर्द के हालात के ऊपर मुकम्मल नजर रखे। इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से इन तमाम बुरे हालात से निकलने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान का अमन लौट आया है। पाकिस्तान के लोगों के चेहरों के ऊपर खुशियां बिखरती नजर आ रही हैं। मुस्कुराहटें हर तरफ नजर आने के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम ने अब अपने कारोबार में मजीद बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको अब ना ही दहशतगर्दों की जानिब से भत्ते की पर्चियां मिलती हैं और ना ही उनको कारोबार रोकने या कारोबार कहीं और शिफ्ट करने के हवाले से धमकाया डराया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखेंगे पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल मुत्तहिद ही नहीं हो रही हैं। किसी एक पार्टी को मनाया जाता है तो दूसरी नाराज हो जाती है, उसको मनाया जाता है तो पहली नाराज हो जाती है, और यही वजह है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम बाकी रहेगा तब तक पाकिस्तान के ये सारे मामला ठीक नहीं किए जा सकते हैं। इमरान खान की जिंदगी को पहले भी बड़े ज्यादा रिस्क थे और अब ये रिस्क मजीद बढ़ चुके हैं। उनके ऊपर 2 से ज्यादा मरतबा जानलेवा हमला किया जा चुका है और अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने हमला करवाया उनको आज तक ना ही कोई गिरफ्तार कर पाया
बताया है और ना ही उनके हवाले से पाकिस्तानी कौम को कोई हकायक बताए गए हैं, बल्कि एक दो टके के लड़के को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश किया गया था और उसने भी बार बार अपना मौकफ तब्दील किया। कभी वो ये कहता था कि इमरान खान अजान के वक्त गाने चला रहा था इसलिए मैंने उसको निशाना बनाने की कोशिश की, कभी वो ये कहता था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है तभी मैंने उसको निशाना बनाने की कोशिश की, और इसी तरह हम मामला जो हैं मजीद गंभीर से गंभीर करते चले गए हैं। लेकिन सिचुएशन अब मजीद खराब होने के इंतहाई करीब है। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मियांवाली के अंदर पिछले 3 महीने के दौरान कई बड़े बड़े हमले हो चुके हैं और पुलिस को टारगेट किया गया है। इसी तरह डेरा इस्माइल खान के हालात भी ज्यादा बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि केपी के अंदर तो हालात इंतहाई कशीदा और बलूचिस्तान के अंदर तो बाकायदा तौर पर लड़ाई जारी है। इन सब मामलों को देखते हुए अब हमारा कौमी फर्ज ये बनता है कि हम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों CTD और पुलिस और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हों और इनको ये यकीन दिलाएं कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, आपने बस इन बद अमन और बद दयानत लोगों को हमारे पाकिस्तान से निकाल बाहर करना है या इनको जहन्नम का रास्ता दिखाना है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता है। और अमन को खराब करने के हवाले से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और अफगानिस्तान समेत अमरीका ने भी आज तक जो किरदार अदा किया है वो दुनिया में किसी से ढका छुपा नहीं है। इन सब लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को खराब करने, पाकिस्तान का अमन दाव पर लगाने और पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी अजीरन करने में अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया और आज भी उसी तरह किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। सिचुएशन अगर सिर्फ इतनी होती तब भी बात बनती, लेकिन दूसरी जानिब सिचुएशन ये है कि ईरान बगैर बताए और बगैर पूछे पाकिस्तान के अपने इलाकों के अंदर आकर कार्रवाइयां करता है और जब उसके सामने एहतजाज किया जाता है तो वो बढ़ चढ़ कर ये कहता नजर आता है कि आपके मुल्क से लोग हमारे मुल्क में आकर हमारा अमन खराब कर जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे मुल्क से उनके मुल्क में लोग पहुंचते कैसे हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात बयान की जाती हैं, जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते मौजूद हैं कि जहां पर ना ही ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं और ना ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज, और वहां से ये लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क आसानी से आते जाते रहते हैं। अभी पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर था उसके ऊपर फेंस लगाई है और उन फेंस को रोजाना की बुनियाद के ऊपर अफगानिस्तान से नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं देखना चाहते, वो पाकिस्तान के लोगों को खुशहाल नहीं देखना चाहते, वो पाकिस्तान की अफवाज को मजीद ताकतवर होता नहीं देखना चाहते। उनकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह हमारे मुल्क में अमन नहीं है इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अमन ना हो। मगर यकीन रखिए कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की CTD और दूसरे जितने भी कानून नाफिज करने वाले इंस्टीट्यूट हैं वो सब मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए दिन रात कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। अब इमरान खान की जिंदगी को जिस तरह से रिस्की बना दिया गया है, जिस तरह से जेल के करीब से इतने बड़े पैमाने के ऊपर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनसे असलहा बरामद किया गया है, तो ये मामला काफी गंभीर होता नजर आ रहा है। और इन हालात के अंदर हम सब पाकिस्तानियों को न सिर्फ खुद खड़े होना होगा बल्कि अपने इदारों के हाथ पकड़कर उनको ये यकीन दिलवाना होगा कि अब कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करनी है कि ऐ हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर हम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान की बद अमनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमा, पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तानी कौम की हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वा, क्योंकि ये वो मामले हैं कि जिन मामलों को हल किए बगैर ना ही पाकिस्तानी कौम आगे जा सकती है, ना ही पाकिस्तान की सरकारें आगे जा सकती हैं, ना ही पाकिस्तान का इमेज मजीद बेहतर हो सकता है, ना ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है और ना ही पाकिस्तान के ऊपर कोई दूसरा मुल्क भरोसा कर सकता है, क्योंकि दूसरे ममालिक के लोग जब पाकिस्तान आने का सोचते हैं और कारोबार करने की फिक्र करते हैं तो उनके जहन में सबसे पहले पाकिस्तान के अमन के हवाले से ही बातें आती हैं। वो सोचते और देखते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं है तो वो पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश, भारत या अफगानिस्तान जाने को तरजीह देते हैं और ये चीज पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर तेल, गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से भी दुनिया भर के बड़े बड़े कारोबारी हजरात पाकिस्तान आने से कतराते हैं। अगर इन तमाम मामलों के ऊपर नजर सानी की जाए, अगर इन तमाम मामलों को ठीक करने के लिए मेहनत और दिलजोई से काम किया जाए, अगर इन तमाम मामलों को सेटल करने के लिए मुसलसल काम किया जाए तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान के मसाइल चुटकियों के अंदर हल हो सकते हैं और इन हल होते मसाइल से पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। बहरहाल अडियाला जेल के हवाले से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन में अब मजीद ऐसे लोग भी गिरफ्तार होंगे कि जो पाकिस्तान के अमन को दाव पर लगाना चाहते हैं और ये सब लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा।